हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी पॉट पेंटिंग। सो यहाँ पे मेरी बालकनी में जितने भी सीमेंट वाले पॉट हैं, क्योंकि वो अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग शेप्स के हैं, अलग अलग डिज़ाइंस के हैं, क्योंकि सबकी परचेजिंग टाइमिंग अलग अलग है। सो यहाँ पे उनके एक सिमिलैरिटी लाने के लिए और एक ताकि वो एक फ्रेम में एक जैसे दिखें, उसके लिए मैंने जो मेथड यूज़ किया वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पे जितने भी गमले हैं मैं उनको सबको सिंगल एक ही कलर में पेंट करूँगी। ऊपर जो डिज़ाइनिंग करने वाली हूँ वो बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है, कोई भी बना सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्वान्टिटी ज़्यादा है। तो मैं अगर ज़्यादा ही मेहनत वाले डिज़ाइंस लूँगी तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर बहुत ही ईजी मैथड से यहाँ पर सबको पेंट करने वाली हूँ। बट हर चीज़ को करने के लिए कोई ना कोई टेक्निक और कोई ना कोई मैथड की ज़रूरत पड़ती है, भले वो कितनी भी ईजी हो। तो आई होप आपको पसंद आएगा, वही मैं बेसिक चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिस स्टेप इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप ये स्टेप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका जितना भी मेहनत है सारा बेकार हो जाएगा। तो सबसे पहले जितनी भी गमले हैं उनके ऊपर की डस्ट एंड एक्स्ट्रा लेयर को आप विद द हेल्प ऑफ रेक मार अच्छे से क्लीन करना है। कलर के लिए मैं यहाँ पे एशियन पेंट ले रही हूँ, एशियन पेंट का एसी स्पार्क। और ये जो वही कलर्स हैं जो वॉल्स में यूज़ होती हैं, ये नैमल्स नहीं होते हैं, ग्लॉसी नहीं होते हैं, तो इनको हम गमले में इजीली कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे 1 लीटर का लिया है और ये वाइट ही आता है। इसमें कलर ऐड करने के लिए इस तरीके से जो यूनिवर्सल स्ट्रेटनर आते हैं वो यूज़ करते हैं। और मैंने यहाँ पर येल्लो चूज़ किया है, ये काफ़ी कलर ऑप्शन होते हैं इसमें। और इसके साथ आपको ज़रूरत पड़ेगी थिनर की और एक्स्ट्रा कुछ कंटेनर जिसमें आप अपने ब्रश को वॉश कर सकें। कलर बनाने के लिए आपको जो वाइट वाला पेंट है उसमें इस तरीके से स्ट्रेनर मिक्स करना है, बट थोड़े थोड़े क्वांटिटी में। और उसके बाद अच्छे से विद द हेल्प ऑफ स्टिक आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें। इसमें बहुत अच्छे से मिक्स करने की ज़रूरत है। उसके बाद आपको जब तक आपका परफेक्ट कलर ना मिले तब तक आप थोड़ा थोड़ा स्ट्रेनर डालें। और उसके बाद जब आपका परफेक्ट कलर मिल जाए तब आप उस स्ट्रेनर को वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। येलो कलर की वजह से मैं यहाँ पे 2 कोट दे रही हूँ। तो फर्स्ट कोट अप्लाई करने के बाद अच्छे से ड्राई होने मैंने दिया है, और उसके बाद मैं सेकंड कोट अप्लाई करूँगी और फिर उसके बाद उसको भी अच्छे से ड्राई होने के लिए छोड़ दूँगी। सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे सारे गमले एक जैसे लग रहे हैं, क्योंकि सब में मैंने एक ही कलर किया है। अब इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं एक स्टेप आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जब भी आप हैवी गमलों को पेंट कर रहे हैं, इस तरीके से आप किसी चीज़ के ऊपर रख लें जिसको आप अच्छे से मूव कर पाएँ, ताकि आपको गमले को हिलाना ना पड़े, आपको अपनी जगह ना बदलनी पड़े। सो मैं यहाँ पर सबसे पहले सबसे ईजी मेथड यहाँ पर शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने सेलो टेप लगा लिया है पूरे में। तो यहाँ पे मैं सारे गमलों को ब्लैक एंड येलो कलर कॉम्बो में पेंट एंड डिज़ाइन करने वाली हूँ। यहाँ पे मैं एक्रिलिक कलर लिया है मैंने यहाँ पे ब्लैक वाला, और मैं यहाँ पे ये फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ नंबर 2। और जो स्टेप मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है। बस आप इस तरीके से अपने हाथ को थोड़ा सपोर्ट दें और फ्लैट ब्रश को इस तरीके से स्टैंडिंग लाइन में डिज़ाइन बनाए, बट एक ही प्रेशर के साथ। अगर आप हल्का सा भी प्रेशर ज़्यादा करेंगे तो वो ब्रश फैल जाएगा और डिज़ाइन फिर एक जैसा नहीं बनेगा। सो नेक्स्ट है ये ट्रायंगल शेप, और मैंने यहाँ पे पहले राउंड ब्रश से मैं यहाँ पे ट्रायंगल का शेप बनाऊंगी, और उसके बाद मैं फ्लैट ब्रश से उसको फिल करूंगी ताकि टाइम भी बचे और इससे काफ़ी इजी रहता है। आप देख रहे हैं किस तरीके से एक ही स्टेप में फिनिशिंग के साथ ही इजीली बन जाता है। नेक्स्ट है ये गमला जिसकी सरफेस आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्लेन नहीं है, काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे है ये। तो यहाँ पे मैं सिंपल इस तरीके से सेलो टेप लगाऊंगी और यहाँ पे सेंटर में कलर कर दूंगी। मतलब मैंने ब्लैक एंड येलो कलर कॉम्बो बनाया है, कोई भी पैटर्न बना सकते हैं, जो कि ये काफ़ी ईजी है। अगर आप खुद से ड्रॉ करने में अनकंफर्टेबल हैं तो आप सिंपली इस तरीके से फैब्रिक के स्टेंसिल्स आते हैं अलग अलग डिज़ाइंस में, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी इजी है। बस आपको सिंपल इस तरीके से स्पंज लेना है। यहाँ पे मैंने डिश वॉशर वाला स्पंज लिया है और इस तरीके से आप बस प्रेस कर दीजिए और आपका डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। इसमें तो बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती।
नेक्स्ट डिज़ाइन में भी मैं सेम ट्रायंगल ही बना रही हूँ, बस थोड़ा सा चेंजेस हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं किस तरीके से बना रही हूँ। नेक्स्ट मैं बनाऊंगी मून शेप, और जिसके लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ राउंड ब्रश, क्योंकि राउंड ब्रश से काफ़ी इजी रहता है इस तरीके से कर्व वाले या फिर कोई भी आपको डिज़ाइन बनाने हैं। नेक्स्ट डिज़ाइन में पहले मैं इस पॉट के ऊपर का जो जितना भी बाउंड्री वाला पोर्शन है फ्लैट, उसमें मैं पहले पूरे में ब्लैक कलर करूँगी, और उसके बाद ये वाला स्टेप काफ़ी इजी है। यहाँ पे मैं फ़्लैट ब्रश ले रही हूँ 9 नंबर का, और इस तरीके से आप पहले सिंपली यहाँ पे रखिए और यहाँ पे राउंड इस तरीके से आप घुमा देंगे तो आपका ये जो कर्व वाला डिज़ाइन है ये बहुत इजीली इस फ्लैट ब्रश से बन जाता है। आपको किसी पेंसिल या डिज़ाइन बनाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा आइडिया पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट दैट बेल आइकन, उससे मेरी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और अपने कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, एंड आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक भी करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर मैं और भी इंटरेस्टिंग DIY एंड बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।